हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पहाड़ी बगिया नैनीताल में। आज हम बात करने वाले हैं एलोवेरा प्लांट की। देखिए, ये एलोवेरा प्लांट है, ये जो था ये काफी सूख चुका है। ये जो था मेरे घर के बैक पोर्शन में रखा हुआ था, तो मैं जो था इसकी केयर नहीं कर पाया। एलोवेरा जो होता है बहुत ही यूजफुल प्लांट होता है, जैसे आपके कहीं पे चोट लग गई है या आपके जल गया है, छाले वगैरह हो गए हैं, तो उसमें भी बहुत यूज में आता है एलोवेरा। जो होता है आप अपने फेस पे भी लगा सकते हैं, हेयर पे भी लगा सकते हैं, बहुत सारे यूज होते हैं एलोवेरा के। तो देखिए, ये प्लांट जो है ये बिल्कुल सूख चुका है, तो हम इसको जो है अब दोबारा रिपोर्ट कर देते हैं और इसकी सॉइल वगैरह जो है वो हम लोग जो है सब चेंज कर देंगे, ताकि जो है ये बहुत बढ़िया ग्रो हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग इसकी जितनी भी ड्राई लीव्स हैं इसको जो है हम हटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने जो है इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसकी सारी लीव्स वगैरह जो है वो हटा दी हैं। तो अब हम जो है इसको रिपोर्ट करेंगे। देखिए, इसमें जितना भी कूड़ा निकला है हम लोग ये भी यूज कर लेंगे। और ये देखिए, ये मैंने जो है एक इस पॉट में जो है हम लोग एलोवेरा लगाने वाले हैं, इसमें मैंने पूरी बांझ की मिट्टी का यूज कर रखा है। और ये मेरे पास कुछ किचन वेस्ट से जो हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाते हैं वो हम लोग इसमें यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपना एलोवेरा जो है वो रिपोर्ट कर दिया और जितनी भी इसकी खराब लीव्स थी वो हमने सब हटा दी हैं। और देखिए, अब जो है ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये काफ़ी सारे पेड़ थे जिनको हमने अच्छी तरीके से जो है रिपोर्ट कर दिया, बहुत सारे इसमें प्लांट्स हैं एलोवेरा के। तो अब जो है हमें इसे शेडी एरिया में रख देना, और जो है इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से आप एक बार वाटरिंग कर दें इसे, और 15 से 20 दिन जो है आप इसको शेडी एरिया में रखें, ताकि इसमें जो है बहुत जल्दी ग्रोथ देखने को मिले। देखिए, समर सीजन है तो इस टाइम में प्लांट में जो होती है वो ग्रोथ बहुत जल्दी स्टार्ट होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।